साइंस में तुषान को आई 20 में से 20। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और डेली व्लॉग्स में। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था खुशी ने कि अभी डेली व्लॉग्स बनाने मम्मा, तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बस मैं ठीक रहूँ, नहीं तो मैं डेली व्लॉग ही अपलोड करूँगी। डोंट वरी, अभी यही सोचा है और खुशी ने भी यही बोला है कि नहीं मम्मा आप व्लॉग्स बनाओगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे डेली व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि सुबह मतलब कल है ना, आप ये देख लो, कल मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि खुशी को इतना फीवर था ना, तो मुझे अपना तो फील हुआ ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे भी दर्द है। और आज खुशी का फीवर ठीक है, और सुबह उसको, रात को तो था उसको, लेकिन सुबह उसको सोई था, लेकिन फिर भी मैंने स्कूल में नहीं भेजा उसको, क्योंकि अभी इतनी मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था खुशी को रातों में। तो अभी रेस्ट पे है खुशी और अभी नहीं जाएगी स्कूल में जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी। और लेकिन आज मुझे हो गया था सुबह, तो बैक में ज़्यादा, तो इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। और फिर अभी खुशी ने बोला मम्मा अभी व्लॉग स्टार्ट करोगे, तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं रेडी हो रखी हूँ वीडियो शूट के लिए। और ये डेली का काम है भाई, वीडियो तो बनानी ही पड़ती है इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे नहीं अभी तक चेक किया है तो रितु राठी ऑफिशियल के नाम से है, तो वहाँ पे आप ज़रूर चेक करना। और किसी ने वहाँ फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे डेली नई वीडियोस अपलोड होती हैं। अभी हो चुकी है शाम और मैंने खुशी को गोली खिलाई है, गला खराब है, वैसे फीवर तो अभी ठीक हो गया है। और अभी ये कह रही है कि मम्मा मैं आपको खिलाऊँगी। खिला तो दोनों मम्मी बेटी ने गोलियां खा ली हैं, मुझे अपने बैग की खानी थी और खुशी ने अपने गले की फीवर की सुबह ली थी। अभी अगर फीवर होगा ना तो ही फीवर की खानी है इसको। अभी हो चुकी है शाम और आज तुषान को टेस्ट मिले हैं अपने, सारे ही मिल गए, लगभग एक या दो टेस्ट रहता है ना तुषान, तो सारे मिल गए हैं। और तुषान के मैं आपको टेस्ट दिखाती हूँ आज। तुषान आपके सारे रिजल्ट बताओ बेटा एक बार। साइंस में तो 20 में से 20 है। तो साइंस में तुषान को आए 20 में से 20 और हिंदी में आए 20 में से 19.5। तो हिंदी का ये है 20 में से 19.5। संस्कृत में 20 में से 20। तो ये संस्कृत का भाई 20 में से 20। इंग्लिश में 19.5 20 में से इंग्लिश में। SST में 18.5 और ये है SST का 18.5 20 में से 17. और मैथ का कम आया है ऐसे कर रहा है 20 में से 70.5। और दो रहते हैं तुषान के, तो दो रहते हैं तुषान के, IIT का मंडे को मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट आया भाई तुषान का, बहुत ही अच्छा आया, वैसे बस मैथ का थोड़ा डाउन आया है, बाकी सब का बिल्कुल ठीक आया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज तो चांद बहुत खुश है लेकिन खुशी का नहीं आया। हाँ, अभी और जीके में 20 में से 20। जीके का कहाँ है वो पता नहीं, मेरे को याद नहीं। जीके का इसने गुम कर दिया, वो उसमें 20 में से 20 आए हैं। और एक IIT का रहता है, वो अभी आया नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि अपने बच्चों से सिर्फ वीडियो बनवाते रहते हो आप, इनको पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इनका और पढ़ाई खराब कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा दिन वीडियो बनाते हैं, कि पूरा दिन में क्या हो गया अगर आधा घंटा फ़ोन में इन्होंने यूज़ कर लिया, तो पूरा दिन स्कूल में पढ़ाई होती है और फिर घर पे भी पढ़ाई होती है, अगर पढ़ाई नहीं करते तो रिजल्ट भी नहीं आता। ये तो ये जो गलत कमेंट करते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाते नहीं हो सारा दिन क्या वीडियो वीडियो, तो वीडियो भाई सारा दिन बिल्कुल भी नहीं बनती है, मैं खुद ही नहीं बनाती पूरा दिन, कौन बना सकता है एक बात ये बताओ, पूरा दिन कोई भी नहीं बनाता, जितने भी वीडियो क्रिएटर है ना वो भी नहीं बनाते। ये आप लोगों को लगता है कि सारा दिन वीडियो पोस्ट कर दी, तो ये नहीं है, मतलब पूरा दिन में क्या हो गया कि 3 से या 4 वीडियो बना सकते हैं, ये नहीं है कि पूरा दिन ही वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है भाई, ज़्यादा ही से ज़्यादा अगर कई बार कई ज़्यादा वीडियो बनानी है। तो ये गलत कमेंट मत किया करो कि पढ़ाई पर ध्यान, भाई पूरा ध्यान है पढ़ाई पर भी, ये नहीं है कि वीडियो के सारे, ये तो है नहीं कि इनका फ्यूचर डिपेंड है वीडियो पर,
तो पढ़ाई तो सबसे पहले है और इसी को रखती हूँ मैं। और पहले पढ़ाई होती है, सारा काम होता है, उसके बाद ही कभी कभी बनाते हैं वीडियो बच्चों के साथ। तो आपने देखी होंगी मेरी वीडियो इतनी आती नहीं है, बहुत ही कम आती हैं, और अभी तो इनके एग्ज़ाम चल रहे थे तो बनाई नहीं। तो ये मत लिखा करो कि क्या है। तो मेरे बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई में भगवान की दया से टच वुड। तो ऐसे जो कमेंट करते हैं ना सिर्फ उनके लिए ये जवाब, तो ऐसे मत लिखा करो बस, ठीक है देख लो। तो भाई खुशी, मैं इसके साथ आई थी, मैं इनकी व्लॉग बना रही हूँ खुशी में, और ऐसे चिपट के बैठ गई। तो खुशी आज बिल्कुल ठीक है, आज आप सबकी दुआ काम कर गई, और सबने कल बहुत प्रे करी भाई, सच में बहुत दुआ करी, बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि खुशी खुशी बेटी ठीक हो जाए, खुशी बेटी ठीक हो जाए। तो अभी आपकी दुआओं का असर है कि आज खुशी को फीवर नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक है ये, है खुशी। कल बोला था ना मैंने, काढ़ा पी लो आप सारा, फीवर नहीं होएगा फिर। कल खुशी ने पिया, रुक रुक के धीरे धीरे पिया, टाइम बहुत लगाया, लेकिन इसने सारा पिया और उसी वजह से फीवर ठीक हुआ आपका उसी वजह से हुआ है आपका सारा। और सबने परे करी आपके लिए कि है ना खुशी का फीवर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। तो अभी ठीक है, वैसे गोली अभी लेनी है क्योंकि इसके गले में खारिश है, तो उसकी तो गोली ली थी, और फीवर क्या सुबह एक बार ली, उसके बाद नहीं ली। और अभी कुल मिला के ये है कि अभी खुशी ठीक है, अभी फीवर नहीं हुआ है, बस अब होगा भी नहीं, है ना खुशी। और गाढ़ा फिर बनाएगी मम्मा आपके लिए, आज आज और पी लो फिर, है ना, बिल्कुल ठीक रहोगे आप। तो इसके लिए अभी और गाढ़ा बनाऊंगी मैं, आज शाम का मैंने बनाया नहीं है। और आज मामा के घर जा रहा है और खुशी नहीं जा रही क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ठीक थी नहीं, और मतलब कल ठीक नहीं थी, और आज तो मैं मेरा मन नहीं मान रहा कि जाइए, तो इसलिए मैं इसको नहीं भेज रही हूँ, इसका मैं खुद ही ख्याल रखूँगी। तुषान जाएगा क्योंकि कल संडे है तो इनकी छुट्टी है, तो इसलिए जा रही हैं। और एक दो दिन में क्या पता अभी छुट्टी हो तो मैं भी चली जाऊँ, क्योंकि फिर है ना बहन आई हुई है, वो चली जाएगी तो हमें कुछ टाइम रहना है किंजल के साथ। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आज तुषान जा रहा है, तुषान तो तुषान हो रहा है रेडी जाने के लिए क्योंकि उसके मामा आएंगे अभी लेने के लिए। तो भाई सन्नी आ चुका है तुषान का मामा तुषान को लेने के लिए, आ जा जल्दी, तुषान जा रहा है अभी अपने मामा के साथ। है तुषान, सनी कैसा लगा इसका रिजल्ट तुषान का? बढ़िया आया है, खुशी का भी आया नहीं है, इतना देख ले जा रहा है तो। यो क्या है ये, बैठ जा बैठ जा। भाई आया था और तुषान चला गया मामा के साथ, कल आएगा क्योंकि कल है संडे। और कुछ कर लिया मैंने और चेंज करके अभी बना लिया मैंने सब्जी, तो आज मैंने किया कि सब्जी बनाई है और खुशी को दिया है मैंने अभी नारियल पानी पीने के लिए। और खुशी का क्या हो गया, आज गले में ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर तो हुआ नहीं है लेकिन गले में ज़्यादा दर्द है, नारियल पानी पी नहीं पिया जा रहा, अभी पिया जा रहा है तो ये धीरे धीरे करके पी रही है, ये देखो पानी नहीं पिया सर, नारियल पानी कैसे, थोड़ा थोड़ा करके पी ले बेटा, ये तो ज़रूरी है एनर्जी के लिए क्योंकि फीवर हुआ है ना, इतना तेज़ फीवर था, कल तो 104 था, शाम को 104 हो गया था खुशी को कल, तो ये तो पी ले बेटा हो जाएगा, धीरे 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 पीती जा। अभी मैं इसके लिए ना तुलसी का काढ़ा बनाऊंगी, उससे भी गला ठीक हो जाता, हाँ पिया जाएगा। तो अभी मैं खुशी के लिए काढ़ा बना देती हूँ तुलसी का, वो पी लेगी, या फिर इन्हें मैं दूध पी है और ठंडा हो गया बिल्कुल, रखा रखा, अभी गर्म करके लाऊं दोबारा, मीठा करके लाऊं, तो खुशी ने अभी दूध नहीं पी रही है, फिर से गर्म करके देना पड़ेगा। और अभी बुखार की गोली देनी नहीं है क्योंकि बुखार अभी है ही नहीं, और ना ही मैं गले की देने वाली, इसको कड़वी लगी बहुत ही ज़्यादा, दिन में खाई थी तो वो भी नहीं। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं हम एंड, क्योंकि अभी मैं अपनी गुड़िया रानी को सुलाऊंगी। और आप सब कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, तुषान चला गया अपने मामा के घर और आज खुशी खुशी है मेरे पास। तो भैया की याद नहीं आ रही आपको, भैया किसी को आती है, इसको नहीं आएगी क्योंकि अगर होते तो लड़ रहे होते, है ना, अभी लड़ाई नहीं हो रही। और रिमोट पे भी किसी का है नहीं, तो रिमोट वो लेता, मैं लूँगी ये
ये नहीं लेगा, और फोन पे भी एक होता फिर नहीं ये नहीं लेगा, है ना। तो ये बात है। तो अभी व्लॉग को करते हैं हम यही पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो आप सबसे मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, और ये खुशी एंड कर रही है।